हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे आप सब, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल। एंड गाइस अगर आपके पास Realme X2 Pro है तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीटा 4 का अपडेट है वो रोल आउट किया गया है और ये बेस्ड है एंड्रॉयड 11 और Realme UI 2.0 पे। अब ये जो अपडेट है ये काफ़ी देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे दे रखा है और ये जो अपडेट है इसमें काफ़ी सारे जो बग्स हैं वो फिक्स किए गए हैं, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नया आ रहे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जोर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लेकर के आते रहते हैं। अब ये जो दोस्तों अपडेट है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज लॉग देखने को मिल रहा है। और यार आप में से 96 और 97% के आसपास लोग हैं जो कि चैनल को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज लॉग देखने को मिल रहा है, जहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा सा यहाँ पर चेंज लॉग देखने को मिल रहा है। और ये इसका जो साइज़ है वो आपको अगर मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका साइज़ क्या देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट है वो उसमें क्या देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है मार्च के साथ यहाँ पर। और साथ ही साथ कैमरे में अगर बात करें तो यहाँ पे ब्यूटी इफेक्ट पोर्ट्रेट मोड और फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरे में जो ब्यूटी इफेक्ट था वो यहाँ पे सही किया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है। ऑप्टिमाइज द स्मूथनेस ऑफ द 480fps ऑफ द स्लो मोशन मोड ऑफ द रियर कैमरा, तो 480fps पे जो स्लोमो कैप्चर कर रहे थे उसको लेकर के यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की गई है। उसके बाद यहाँ पर लैन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज द नेटवर्क स्टेबिलिटी इन द सम सिनेरियो, तो कुछ सिनेरियो में जो नेटवर्क की स्टेबिलिटी है उसको लेकर के इंप्रूवमेंट की गई है। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक डिसकनेक्टिंग इशू ऑफ द डब्ल्यू लैन, तो यहाँ पर इसको भी लेकर के फिक्स किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिस्टिक जो डिसकनेक्टिंग जो कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिस्टिक डिसकनेक्टिविटी का इशू आ रहा था उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक पासवर्ड कैन नॉट बी सेट इशू इन द सिस्टम क्लोनर, तो सिस्टम क्लोनर में पासवर्ड सेट नहीं हो पा रहा था उसको भी फिक्स किया गया है। आपको पता होगा कि जो हम लोग सिस्टम का क्लोन बना रहते हैं फ़ोन में अपने, तो वो चीज़ अभी यहाँ पर वहाँ पर पासवर्ड बेसिकली सेट नहीं हो पा रहा था, वो अभी फिक्स किया गया है। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक क्रैश इशू ऑफ यूजिंग द टाइम एप्लीकेशन, तो टाइम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए जो क्रैश इशू आ रहा था वो भी फिक्स किया गया। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक फ्लिकर इशू ऑफ एंटरिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पर जो फ्लिकर इशू आ रहा था वो यहाँ पर फिक्स किया गया है। गैलरी की अगर हम बात करते हैं फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक लोडिंग फेलियर इशू ऑफ ओपनिंग द फोटोज आफ्टर शूटिंग, तो शूट करने के बाद जो फोटो में मतलब ओपन होने में जो फेलियर आ रहा था वहाँ पे जो फोटो है वो मतलब ओपन नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी फिक्स हुआ है गैलरी में। अभी यहाँ पर स्टेटस बार में आप देख सकते हो लिखा हुआ है फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक डिस्प्ले इशू ऑफ द कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर में जो यहाँ पर डिस्प्ले इशू आ रहा था वो भी फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिक्स की गई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बग्स जो है वो फिक्स किए गए हैं, तो ये अपडेट ज़रूर से कर लेना। वैसे इसका साइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, अगर आपको मिल गया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके भी आप बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक दे रखी हैं। और अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक ओपनिंग इशू ऑफ ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ में ओपन होने में भी प्रॉब्लम आ रही थी इसको भी यहाँ पर फिक्स किया है। तो यहाँ पर गेम स्पेस में जो इशू आ रहा था वो आप देख सकते हो लिखा हुआ है फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक क्रैशिंग इशू इशू ऑफ क्रैशिंग एंड नॉट डिस्प्लेड आफ्टर एंटरिंग द इंटरफेस, तो गेम स्पेस में जाने के बाद वहाँ पर जो क्रैशिंग इशू आ रही थी उसको भी लेकर के यहाँ पर फिक्स किया गया। तो जो बग्स हैं वो काफ़ी सारे फिक्स किए गए हैं। अगर आपको मिल गया अपडेट तो कमेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि हाँ कमेंट करके ज़रूर से बताना। होप करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो जाकर के फॉलो ज़रूर से कर लेना। बाय बाय।